हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले चंगे होंगे। तो यहाँ सभी लोग बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव। तो स्टार्टिंग हो गई है सुबह की आज रूटीन और घर पूरी होम क्लीनिंग को लेकर। तो चलिए आज आप लोग को दिखाते हैं पूरी होम क्लीनिंग। तो हमारे यहाँ पर अभी देखिए स्टार्टअप, भोजन वाला काम तो हो गया, बच्चे चले गए, ये सब काम हो गया। देखिए अक्सर लंच ब्रेकफास्ट इतना कोई नहीं बोलता, वही होता है कि अरे हाँ भोजन खाना बन गया, ये हो गया वो गया, ऐसे ही बोलते हैं लोग। तो यहाँ पे मैं भी स्टार्ट हो गई हूँ। तो आज जो टीवी आगे वाले हॉल में है, जो गेस्ट रूम है, इसमें टीवी जो लगी रहती है, इसमें मैं बहुत कम आती हूँ क्योंकि थोड़ा सा आगे पड़ता, फिर मैं काम पीछे ही करती रह जाती हूँ तो नहीं आ पाती हूँ। तो आज आई तो देख रही थी टीवी पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गया था, टीवी को क्लीन की हूँ। अभी यहाँ टेबल है और इस टेबल के लिए मुझे एक टेबल के लिए कवर मंगाना है, टेबल कवर। बट मैं सोच रही थी कि टेबल कवर ऑनलाइन मंगाऊं कि ऑफलाइन देखूं, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था। और मेरी थोड़ी सी आदत है ना, दोनों जगह जब परचेस कर लेते हैं समझ में आता कहाँ पे सस्ता है कहाँ पे महंगा है। ये चीज़ें थोड़ा सा औरतें ज़्यादा ये चीज़ें देखती हैं ना, हर औरतें जो लोग पैसे थोड़ा थोड़ा फूक फूक उठाती है ना कदम, वो ज़रूर सोचती हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि ऑनलाइन पे देखती हूँ कितने की मिलता है, ऑफलाइन कैसे मिलता है। तो मैंने देख लिया, बट अब ऑफलाइन में जैसे मार्केट निकलती हूँ तो देख लेती हूँ, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कवर मंगाऊँगी इसका, टेबल का। क्योंकि टेबल ऐसे रहते हैं पे ना डस्ट काफ़ी बैठ जाते हैं और बच्चे भी जब खाते होते हैं तो ऐसे गिर जाते हैं, कुछ और प्लाई है तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो इसीलिए मैं इसके लिए कवर के बारे में सोच रही थी। लेकिन आप लोग बताइएगा कैसे मैं लूँ, ऑफलाइन लूँ कि ऑनलाइन। बट लेकिन मैं पहले मार्केट का परचेस देखती हूँ क्या है प्राइस, और ऑफलाइन तो ऐसे ही दिख जाता है 150-200 तक का ही दिख रहा है, ऑफलाइन पे क्या है वो नहीं मालूम। तो चलते हैं आज चेक तो करेंगे ही। तो यहाँ पे मेरी चादर, आज मैं बोल रही थी बेडशीट को मैं निकालना है, और गद्दे जो है एक साइड में भागने उधर साइड में जा रहा था। तो मैं 2-3 दिन से सोच रही थी आज मुझे बेडशीट चेंज करना, बट नहीं हो पा रहा था। तो आज इसका भी समय आ गया था कि आज इसको भी समय से कर देना है। तो इसी अकॉर्डिंग मेरा पूरा दिन ऐसे, आज मेरा काम जो है फटाफट 10:30-11 बजे तक मुझे लग रहा है पूरा फाइनली मैं खाली हो चुकी थी। और आज मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उस प्रॉब्लम की बात बता रही हूँ। मेरी वीडियो क्यों लेट पहुँचा, आज वीडियो मेरा पहले गया होता, बट हुआ क्या कि वॉइस बिल्कुल नहीं ओवर हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, कौन सा सिस्टम। कभी कभी ना एकदम फ़ोन तो इतना गुस्सा आता है ना, पटक दूँ, लेकिन क्या करूँ, ये भी जान है, इसी से तो वीडियो अपलोड होता है, भी गायब हो जाएगा तो क्या करेंगे। अब आप लोग का प्यार सपोर्ट रहता तो मैं एक दो सी मोबाइल लेती इतनी, पता कभी कभी घंटे दो घंटे लेकर मोबाइल को मैं परेशान हो जाती हूँ, हैंग करता है, वीडियो सपोर्ट नहीं लेता है, तो क्या क्या कई प्रॉब्लम सामना बहुत करती हूँ। बहुत जो कहते हैं ना एक परिश्रम कर, यहाँ पे मैं एक जो संघर्ष करने वाली चीज़ होती है ना तो वो रियल में करती हूँ। इस तरीके से एक हाउसवाइफ जो अपनी छोटी छोटी चीज़ों से संघर्ष करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, पर यूट्यूब नहीं समझती है कितना संघर्ष कर रही है, औरत इसका वीडियो वायरल नहीं कर रहा, तो कितनी गड़बड़ बात है ना। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, आप लोग हमारी परेशानी को समझिएगा, कोई बात नहीं, यूट्यूब नहीं समझ रहा आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पे मेरी चल रही है, बाहर की पार्किंग एरिया हो गई थी पूरी गंदी, कारण क्या था कि सुबह भोर में जब बारिश हुई थी तो ऊपर से पानी सीढ़ियों से आ जाता है और बाहर के अंदर बाहर गाड़ी होती है तो पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई थी पूरा, इतना जैसे नहीं अजीब सा बालू सा फील होता। तो जब भी ऐसा होता है तो मैं अक्सर पार्किंग एरिया साफ ही कर देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा पूरा आज हाउस क्लीनिंग चला है, पूरा होम क्लीनिंग पूरे घर की, समझिए कुछ कुछ चीज़ें थी। और मैंने पूरी वीडियो आप लोग के साथ नहीं डाली, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाता, तो मैं बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, सोचती हूँ इतना बने जो आप लोग देख सकें फुल वीडियो को, नहीं तो बनाने कोई मतलब नहीं है कि इतना बड़ा डाल भी दो और फिर देखे भी ना, वाच ना करे, इससे क्या मतलब, कुछ नहीं। तो इसीलिए मैंने वीडियो को बहुत तरीके से डाला कि कुछ कुछ कैप्चर किया कुछ कुछ नहीं, और इसका फर्स्ट पार्ट जो भी रहेगा वो आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में कल वाले में हो सकता हो शेयर हो जाए। और आज मुझे निकलना है मार्केट भी, तो देखते हैं क्या क्या लेना है, कैसे लेना है सब दिखाऊंगी, मार्केट में चलूँगी तो वहाँ पे क्या लेना है अभी तो दिमाग में माइंड में बैठ नहीं रहा, क्या लूँ क्या नहीं लूँ कैसे लूँ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या लेते हैं।
बट मैं तो ये दिमाग में सोचू कि साड़ी उड़ी तो नहीं लेना, साड़ी तो है ही, आप लोग देख ही लिए हैं, बस वही चूड़ी बिंदी लिपस्टिक पाउडर क्रीम यही तो होता है हम औरतों का मेकअप ना, बस इतना ही और चीज़ें नहीं लेना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं सफाई, और सफाई करने के बाद बच्चे आ जाएंगे जल्दी, 12:30 बजे तक बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद हो जाएगा मेरा काम फाइनली, तो मैं जल्दी खाली हो जाऊंगी काम से। तो नहीं तो ऐसे होता है कि दोपहर के समय 2:30 बजे जब बच्चों को लेके आते हैं तो भोजन करो ये करो, तो एक इंडियन हाउस वाइफ अपनी रियल लाइफ कैसे जीती है, किस तरीके से उसकी स्टाइल रहती है, कैसे पूरा दिन भागम भाग और क्या है उसका रहने का तरीका, आप लोग के साथ शेयर हो रहा है इस ब्लॉग में सारी चीज़ें। एक रूटीन जो बनी रहती है ना डेली का, कुछ ना कुछ इसी अकॉर्डिंग पूरे घर की ब्लॉग में आप लोग को दिखाती हूँ, तो वीडियो ज़रूर पसंद आएगा आप लोग को, और एक कमेंट, एक लाइक, सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले चंगे होंगे। और आज है थर्सडे, और थर्सडे को अभी मैंने हमेशा कोशिश करती हूँ हर जो डे आता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे मैं उसके अकॉर्डिंग साड़ी अपना वेयर करूँ, बट कभी कभी हो जाता कभी कभी नहीं होता। तो आज मैंने जब सुबह फ्रेश होने जाती थी नहाने धोने, तो मेरे दिमाग में आया थर्सडे है तो चलो आज येलो येलो पहन लेते हैं, तो आज मैंने येलो वाली साड़ी वेयर की है। तो अभी फ़िलहाल घर की सफाई हुई है, ये देखें चद्दर गंदे हो गए थे, बट डेली सोच रही थी, इधर हमारे जो है कंबल फोल्ड किए हुए हैं, डेली सोच रही थी इसको करने साफ सेट करने से 2-3 दिन से मैं चाह रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था बिल्कुल, और मुझे फीवर भी हो गया था जिसके कारण थोड़ा सा और भी मन नहीं किया था। तो अभी फ़िलहाल फैन चल रहा, तो आज मुझे रिलीफ थोड़ा लग रहा था तो मैंने सारे काम फटाफट कर डाले। तो इस तरीके से आज मेरा काम बहुत जल्दी हो गया, थोड़ा इस समय मुझे लग रहा है 10:30 हो रहा है, 10:30 बजे तक मैंने काम से खाली हो गई पूरी। अभी क्या बस एक काम पड़ा है कपड़े धुलने वाले का, तो सोचूँ कपड़े तो नहीं इस समय धुलूँ, क्या करूँ, नहीं धुलूँगी शाम को धुलूँगी, इसलिए कि मुझे निकलना है मार्केट भी सोच रही हूँ, तो आप लोग को भी लेके चलूँगी साथ, अपने संग ले चल मुझे डगरी वही ना। तो सफ़र में तो यहाँ पे भी फ़िलहाल मैं इसे हूँ, अब थोड़ा सा हवा वालूँगी, थोड़ा सा मन सही जाएगा, जिसने काम करते करते गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि दम अजीब सा होने लगता है, तो थोड़ा सा राहत लूँगी, शरीर को आराम दूँगी, वीडियो एडिटिंग करूँगी तो आप लोग के साथ, और फिर उसके बाद 12:30 बजे आज बच्चे तीनों हमारे एक साथ आ जाएंगे, 12:30 बजे आज बच्चों की छुट्टी हो जाएगी तीनों का। ऐसे खाली बाबू को होता था 12:30 बजे 1:45 बजे छोटी बेटी का और बड़ी बेटी का होता था, बट आज दोनों साथ, और इसलिए मैं भी सोची काम करके खाऊँ, नहीं तो वो झाड़ू पोछा जब करो ना तो बच्चे क्या हैं आते हैं, अब बच्चे क्या बड़े भी वही हाल है यार, क्या बोले, जब झाड़ पोछा करो कोई भी चलेगा तो पैर पैर दागे, और जब मेहनत करो ना तो बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है मेरा भी दिल है। तो इस अकॉर्डिंग तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक कमेंट भी आरस करिएगा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ आप लोग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।